सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल है। वीडियो में पुलिस ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ रस्सी से बांधे हुए हैं। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चला रहे 80 साल के एक बुजुर्ग संत को पुलिस ने पकड़ लिया और उन पर वसूली का केस कर दिया। वीडियो के साथ शेयर किए जा रहे मैसेज में लिखा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है जो हिंदुओं का अपमान कर रही है। ये वीडियो कई राइट विंग प्रोपेगेंडा ग्रुप्स में ऐसे ही दावों के साथ शेयर किया गया और सिर्फ फेसबुक पर ही नहीं बल्कि ट्विटर पर भी ये वीडियो ऐसे ही दावों के साथ शेयर किया जा रहा है। फेसबुक पर कीवर्ड सर्च करते हुए ऑल्ट न्यूज को आचार्य मुमुक्षु कृष्णा शास्त्री का एक पोस्ट मिला जिसमें ये वीडियो शामिल था। इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने 1 सितंबर 2021 का लाइव हिंदुस्तान का एक आर्टिकल शेयर किया था। इस आर्टिकल में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के ईख खेड़ा गांव के खेतिहर इलाके में राजस्थान के कुछ लोग गाय ले जा रहे थे। उस वक्त गौरक्षा संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष सहित 3 लोग वहां पहुंचे। खंडवा निवासी बाबा गरीब दास ने कुछ साथियों के साथ मिलकर गाय ले जा रहे इन लोगों से 5,000 रुपयों की मांग की। दूसरे दिन इसी के मद्देनजर गांव के प्रधान सहित कुछ लोगों ने गरीब दास और उनके साथियों के खिलाफ वसूली करने की शिकायत दर्ज करवाई। ऑल्ट न्यूज ने उघैती के थाना अध्यक्ष से भी बात की। थाना अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राणा ने बताया कि गरीब दास पर इससे पहले भी ऐसे ही आरोप लग चुके हैं जहां वो जानवर ले जा रहे लोगों से वसूली करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बताया कि इस बार भी कुछ लोग ईख खेड़ा गांव से गाय बैल और गधे ले जा रहे थे। उस दौरान गरीब दास और 2 अन्य लोगों ने गाड़ी रोकी और उनसे पैसों की मांग की। इसी घटना से जुड़ा गरीब दास का ये वीडियो सोशल मीडिया पर राजस्थान का बताकर शेयर किया जा रहा है। इसी फर्जी दावे के साथ वहां कांग्रेस के अशोक गहलोत की सरकार को निशाना बनाया जा रहा है।